आज हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। हमारा नेक्स्ट मेथड है रोल प्लेइंग मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? रोल प्लेइंग मेथड्स। मेथड्स की हमारे टीचिंग में क्या इम्पोर्टेंस है, मेथड्स के थ्रू क्यों पढ़ाना चाहिए, इस सब के ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, तो एक बार आप उसको भी ज़रूर देख लेना। और आपके सिलेबस में जितने भी मेथड्स हैं उन सब की सेपरेट सेपरेट वीडियोज़ जो हैं वो बनी हुई हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी तो वो एक बार उन सब वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेथड की, रोल प्लेइंग मेथड। आप लोगों ने बहुत बार इस टर्म को, इस नाम को आपने बहुत बार सुना होगा, तो आज देखते हैं कि होता क्या है। रोल प्लेइंग इज़ अ ग्रुप लर्निंग टेक्निक। क्या टेक्निक है? इट इज़ अ ग्रुप लर्निंग टेक्निक इन विच स्टूडेंट्स रिसोल्व अ प्रॉब्लम सिचुएशन बाय एक्टिंग आउट द रोल ऑफ अ प्रोग्मेटिस्ट इन द सिचुएशन। कि इसको हम बोलते हैं ग्रुप लर्निंग टेक्निक, इसको हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक बहुत सारे जनों का ग्रुप होता है, उसमें एक प्रॉब्लम को सिचुएशन दी जाती है, आप उसको प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, सिचुएशन भी बोल सकते हो। तो बच्चों को क्या करना है, उस सिचुएशन के अंदर जो रोल प्रोमिनेंट है, कि जिस पर्सन की या जिस रोल की रिक्वायरमेंट है, तो उस वो बच्चा उस बंदे का रोल प्ले करता है और उससे हमें लर्निंग मिलती है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं कि अभी आप थोड़ा टाइम पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कैंपेन्स चले थे बहुत ज़्यादा, तब उस टाइम क्या था, बहुत सारे स्टेज शो हुए थे, तो वहाँ पर इनेक्ट करके दिखाया गया कि आप एक लेडी हो और आपके जो है ससुराल वाले या आप खुद से प्रेशराइज करके आपको ये एक्ट कराया जा रहा है कि आपसे बच्चों की डेथ कराई जा रही है, लड़की की डेथ कराई जा रही है। तो इस सबको पिक्चराइजेशन भी रोल था कि एक पर्टिकुलर पर्सन को वो रोल प्ले करना है, एक्टिंग को हम एक कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एक्टिंग जो है लर्निंग कराई जा रही है, वो मोटिवेशनल बच्चों के अंदर वो मोटिव वो थीम है वो डाली जा रही है बाय एनएक्टिंग द सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर भी एक और एग्जांपल दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग द रोल ऑफ वेरियस पर्सन रिलेटेड टू पंचायत। स्कूल में हम पंचायत राज समझा सकते हैं, एक को हमने सरपंच बना दिया, दो तीन बच्चों को हमने पंच बना दिया, उनको हमने लाइन्स प्रिस्क्राइब कर रखी है कि आपने ये लाइन बोलनी है, ये सिचुएशन है, एक पर्सन आएगा, दो पर्सन होंगे, उनके बीच में झगड़ा है, तो उस झगड़े को रिसोल्व कराना है, तो ये इट्स अप टू द सरपंच की सरपंच कैसे डिसीजन लेता है और बाकी लोग कैसे उस डिसीज़न के ऊपर एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, जब हम लोग छोटे बच्चे होते थे तब आप लोगों ने रामायण देखा होगा कि कलियों में रामायण लगती है, रामलीला, कि बच्चे रामलीला देखने जाते हैं, तो वो रामलीला क्या थी, वो रामलीला एक्चुअली रोल प्लेइंग था कि वहाँ पर गली और नुक्कड़ के बच्चे इकट्ठे होकर कोई रावण का रोल कर रहा है, कोई राम का रोल कर रहा है, और इस तरीके से वो होता सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, बट उसके पीछे एक क्या थीम थी कि बच्चे जो उन पर्सन्स की भावनाएं थी वो आम ऑडियंस तक पहुंचा पाएँ। अब आजकल तो हम सबके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनके थ्रू हम पिक्चराइजेशन कर सकते हैं, बट कुछ टाइम पहले सिर्फ यही एंटरटेनमेंट का सोर्स था, यही लर्निंग का सोर्स था, यही मोटिवेशन का सोर्स था कि अपने आसपास के बुजुर्गों को कैसे मोटिवेट करना है, बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे आप लोग देखो कि एक ही टाइम में तीन तीन जनरेशन इकट्ठी बैठ के वो रामलीला को देखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ रोल प्लेइंग जो है लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, कंसेप्ट जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर वो चीज़ समझ आती है, वो चीज़ उसको बहुत अच्छे से वो समझ पाते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कहाँ कहाँ हो पाती है, इंश्योरेंस है, बैंक है, बुक स्टोर्स हैं, कंपनीज, ट्रेड, पोस्ट ऑफिस, पंचायत, कोर्ट, म्यूनसिपल कमेटी, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, नेशनल इंटीग्रेशन और हॉस्पिटल्स। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम रोल प्लेइंग करके कोई भी मोटिवेशनल
थीम है वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, वहाँ की वर्किंग कैसे होती है। अब हम बैंक की बात करते हैं कि अब हम एक बैंक मैनेजर, बैंक और वैसी उसकी वर्किंग करके ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहाँ पर बच्चों को बैंक की वर्किंग विद द हेल्प ऑफ रोल प्लेइंग अच्छे से सिखा सकते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्टाइल्स वी कैन से इन रोल प्लेइंग मेथड। फर्स्ट है ड्रामेटिक एक्सट्रीम फॉर, देन द सरप्राइज रोल प्ले। इन ड्रामेटिक रोल प्ले स्टूडेंट्स प्ले देयर असाइंड रोल, कि ड्रामा करना है स्कूल्स में या हम कोई स्टेज शो देखते हैं, हम कोई यूथ फेस्टिवल में कोई एक्ट देखते हैं, तो दैट टाइम क्या होता है कि कुछ बच्चों को चुन लिया जाता है, उन बच्चों को पर्टिकुलर रोल असाइन कर दिए जाते हैं, उनको उनकी लाइंस भी दी जाती हैं, ऑन द सपोर्ट लाइंस नहीं बनानी होती, बच्चों को रोल विद देयर लाइंस जो है वो पहले से ही बता दी जाती है। सम टाइम उनको प्रैक्टिस भी करवाई जाती है कि आपका एक्ट कैसे जाएगा, आप उसकी रिहर्सल्स तक भी कर सकते हैं। इन एक्सट्रीम प्रो रोल प्ले, इन दिस स्टाइल ऑफ रोल प्लेइंग students are assigned certain roles but students are totally free to play these roles happily in the class without any practice। यही बात मैं अभी बता रही थी कि ड्रामेटिक के अंदर हमें प्रैक्टिस के सेशंस दिए जाते हैं, अगर एक बार दो बार चार बार की, जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते, सम टाइम रोल्स भी चेंज कर दिए जाते हैं कि अगर किसी पर्सन की पर्सनालिटी के ऊपर वो रोल शूट नहीं हो रहा तो उस पर्सन से वो रोल लेकर उसको कोई और रोल असाइन तक भी हम लोग कर सकते हैं। बट इन एक्सट्रीम फॉर रोल प्ले देयर इज़ नो एक्सचेंज और देयर इज़ नो लाइन्स प्रिस्क्राइब, स्टूडेंट्स आर फ्री, टोटली फ्री, वो अपने अकॉर्डिंगली क्लासरूम में इस चीज़, इस एक्ट को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ द सरप्राइज रोल प्ले, इन दिस स्टाइल स्टूडेंट्स आर ऑर्डर टू प्ले सर्टेन रोल्स ऑफ अदर्स ऑल ऑफ अ सडन। सरप्राइज का मीन है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो बच्चों के लिए रोल प्लेइंग क्या है, एक सरप्राइज है। समटाइम उनको हम बोल देते हैं कि आप खड़े होकर के टीचर की नकल करो, उनको नहीं पता होती कि हो सकता है कि वो बच्चा पहले कभी करता होगा, तो उस टाइम क्या है, या कई बार टीचर बोल देता है कि आज आप क्लास के टीचर हो, आप क्लास को संभालो, तो दैट टाइम वो बच्चा क्या करता है, ही और शी इज एक्टिंग अ टीचर्स रोल इन द क्लास। तो कई बार बच्चे प्रिपेयर नहीं होते सरप्राइज रोल प्ले के लिए, तो हर एक मेथड के अपनी मेरिट और अपनी डीमेरिट्स हैं। होप कि यहाँ तक आपको रोल प्ले का मीनिंग और इसका मेथड और इसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी कि रोल प्ले, अभी हमने एग्जांपल से लिया कि हमें किसी का रोल प्ले करना है, ठीक है, अब मैं रोल प्ले कर रही हूँ इस टाइम टीचर का, ठीक है, मैं क्लास ले रही हूँ, मैं घर जाकर एक मदर का, एक वाइफ का, एक बहू का, इस तरीके से सेम टाइम में अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ द लाइव एग्जांपल, आप सबके साथ भी ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको लर्निंग टीचिंग में कैसे यूज़ करते हैं कि हम टीचिंग में उन बच्चों को उस चीज़ की प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है। आपको मॉनिटर बनने का रोल मिल सकता है कि आप मॉनिटर का रोल एक्ट कर सकते हो, दैट टाइम उस बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि नीचे बेंच पे बैठा हुआ बच्चा शरारत कर सकता है, लेकिन वो एज अ मॉनिटर जब क्लासरूम में खड़ा है, क्लास संभाल रहा है, तब वो कोई शरारत नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस है, कई बार बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है, कई बार बच्चों को कोई मोटिवेशन चीज़ समझानी है, तो विद द हेल्प ऑफ रोल प्लेइंग बहुत बार बहुत कुछ अच्छे से सिखाया जा सकता है। बट हर टॉपिक के लिए रोल प्लेइंग जो है वो बेस्ट मेथड नहीं रहता, ठीक है। तो इसकी मेरिट्स देखते हैं, सबसे पहला क्या है, यूज़फुल फॉर सोशल स्टडीज़, कि हमें समाज का कुछ भी करना है, हिस्ट्री देखनी है, इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक देखना है, तो कुछ टॉपिक पे, कुछ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक पे रोल प्लेइंग जो है वो बहुत अच्छे से शूट कर सकता है। देन है
रियल सिचुएशंस, दिस रोल परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस कैन एक्सपोज द रियल सिचुएशन इजीली, कि रियल सिचुएशन को जब टीचर एक्सपोज करना चाहता है तब रोल प्लेइंग, जैसे अभी हमने बात की कि बैंकिंग का फंक्शंस देखना है कि बैंक कैसे काम करता है, तो हम बैंक के ऊपर रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन था, तब हम वहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं, एक सोशल इशू हम उठा रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ रोल प्लेइंग हम उसके उस माँ के इमोशंस और उस उनके ससुराल वालों के सब फीलिंग्स सब जो है वो भी वहाँ पर हम दिखा रहे हैं। पंचायत राज का हमने अभी एग्जांपल लिया कि उस पंचायत राज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सरपंच की क्या ड्यूटीज़ है, पंचों की क्या ड्यूटी है, जो दो लड़ाई वाले जो पर्संस आए थे उन्होंने क्या किया और कैसे उसको रिसोल्व किया या कैसे वो बात बढ़ी या घटी। तो ये सारी सिचुएशंस जो है वो हम लोग अपने बच्चों को विद द हेल्प ऑफ रोल प्लेइंग सिखा सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ इनर फीलिंग्स की अभी मैंने वही बात की कि जब हमें इंटरनल फीलिंग्स की मोटिवेशंस की, अभी रोल एक्ट में बताया कि उस लेडी की क्या सिचुएशन होगी, उसके ऊपर जब प्रेशराइज उसको किया जाता है, उसके ससुराल वालों की क्या कंडीशंस होंगी, क्या कैसे वो उससे बात करते हैं, तो वो सारी फीलिंग्स तो क्या है, अगर रोल प्लेइंग अच्छा होगा कि मींस कि अगर वो रोल बिल्कुल रियल लगेगा तो वो इमोशंस वो फीलिंग और वो सब कुछ बच्चों की लर्निंग तक वो पहुँच पाएगा, वो बच्चे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। यूज़फुल फॉर जूनियर क्लासेस, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उन वो बच्चे कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बच्चों को थोड़ी सी हकीकत का पता होता है कि एक्चुअल में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन छोटे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ रोल प्लेइंग। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा बच्चा पुलिस की यूनिफॉर्म देखकर कितना एक्साइट हो जाता है कि हाँ मैं भी पुलिस वाला बनूंगा, मैंने भी देश की रक्षा करनी है, मैं भी चोर पकड़ूंगा। वो गन को भी उसी स्टाइल में शूट करता है जैसे वो देखता है टीवी में या अपने आसपास। तो इस तरीके से छोटे बच्चे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं रोल प्लेइंग से। डेवलपमेंट ऑफ ऑल थ्री डोमेन्स, आपको डोमेन्स पता है हमारे कौन कौन से मेन तीन डोमेन हम एजुकेशन के अंदर हम बात करते हैं, तीन डोमेन हमारे होते हैं कॉग्निटिव अफेक्टिव देन साइकोमोटर। ये तीनों के ऊपर जो है एक टाइम में करते हैं, दिमाग से चलते हैं, हमारी फीलिंग्स भी वहीं पर होती हैं, हमें रोल के अंदर वो फीलिंग्स डालनी पड़ती हैं, और हमारा साइकोमोटर हमारे हैंड मूवमेंट हमारी पूरी फिजिकल मूवमेंट सब कुछ वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो तीनों जो हमारे डोमेन हैं उनकी डेवलपमेंट ऑन द स्पॉट एक ही उसमें हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, कि जब स्टेज पे या एक ग्रुप में बच्चा काम करता है तो उनके रिलेशनशिप्स भी जो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्लासरूम में कई बार बच्चा बात कर पाता है नहीं कर पाता, अगर वो किसी एक्ट में या एक सोशल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं तो उनके रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, बच्चों के अंदर अच्छे एटीट्यूड्स, क्योंकि नॉर्मली रोल प्लेइंग किस लिए किया जाएगा कि बच्चों के अंदर अच्छी बातों को हम सिखा पाएँ, अच्छी बातों को हम बता पाएँ, बच्चे अच्छी बातों को अपनी लाइफ के अंदर उतार पाएँ, इसीलिए रोल प्लेइंग कराई जाती है। कई बार हम लोग अब रामलीला का मैंने अभी एग्जांपल लिया, तो हम वहाँ पर रावण की बुराइयाँ बताते हैं कि आपको इन तरीक़ों से इन बुराइयों से बचना है। हम ये नहीं सिखा पाते कि रावण इंसान बुरा है, नहीं, जो उन्होंने करनी ही है वो हो सकता है बुरी हो, कि हमें इस तरीके से कुकर्मों से बचना है, गलत कामों से बचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बच्चों को कुछ अच्छाई और बुराइयों के बारे में बता सकते हैं, उनके इसी एटीट्यूड को यहाँ पर हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास रोल प्लेइंग, अभी हमने इसकी स्टाइल्स देखे, अभी हमने इसकी मैनर देखी। तो जैसा कि हर एक मेथड में है कि हर एक मेथड में कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं, तो एक दो इसकी डीमेरिट्स भी है वो हम देख लेते हैं।
सबसे पहले अभी हम बात कर रहे थे कि ये जूनियर क्लासेस के लिए इफेक्टेड है, तो इसका डीमेरिट क्या बनती है कि सीनियर क्लासेस के अंदर ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता जितना अच्छा वर्क ये जूनियर क्लासेस में करते हैं, क्योंकि सीनियर क्लासेस में बच्चे काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं, उनको उनकी फीलिंग्स ऑलरेडी डिवेल्प हो चुकी होती हैं, समटाइम उनका एटीट्यूड भी डिवेल्प हो चुका होता है, इसीलिए सीनियर क्लासेस के लिए ये एक काम का ज़्यादा काम का मेथड नहीं होता। देन टाइम कंज्यूमिंग एज यू नो कि एक्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, लाइन्स लिखनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है। तो जब बहुत रेयर ही हम इसको यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास टाइम की यहाँ पर कंजम्पशन होती है, और नो फर्दर स्किल, क्योंकि बच्चे ही उस चीज़ को रोल प्ले करते हैं, दे आर नॉट सो स्किलफुल, तो कई बार इमोशंस में, कई बार वो फीलिंग एक्सप्रेस करने में बच्चे थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, उम्मीद है कि वो फीलिंग्स, एग्जैक्ट फीलिंग्स जो हैं वो ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कुछ इसके डीमेरिट्स, यहाँ पर कुछ सजेशंस भी दे रखे हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, कि अगर आप रोल प्ले करा रहे हो तो आप इन सजेशंस को भी देख सकते हो। पार्टिसिपेशन ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे सिलेक्टेड पहले कोई एक्ट कर चुके हैं या जिनका इंटरेस्ट एक्टिंग में है, तो हम सिर्फ उन बच्चों को रोल प्ले के लिए ले सकते हैं। सूटेबल फॉर सिंपल टॉपिक, सिंपल जनरल टॉपिक हम उठा सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक, अब हम बच्चों को कहें कि कंपनी का ओनर बना दें, कंपनी कैसे डील करती है, तो वो बच्चे वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो मेमोरी है, उनका जो आईक्यू है, वो थोड़ा सीमित होगा, क्योंकि ये जूनियर क्लासेस के ऊपर ही ज़्यादा शूट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ टीचर, जब भी रोल प्ले हो टीचर को हर टाइम प्रेजेंस रहना चाहिए, क्योंकि टीचर ही बता पाएगा कि बच्चे जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली मैसेज ऑडियंस तक पहुंच रहा है या नहीं, मींस कि रेस्ट ऑफ द क्लास के पास वो सेम मैसेज जा रहा है या नहीं। देन रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, जब भी आप फाइनल परफॉर्मेंस दो उससे पहले एक बार रिव्यू देख लो कि जितना बच्चों ने परफॉर्म किया है क्या वो सही हो रहा है या नहीं, कि जो वो थीम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, वो फीलिंग ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, वो एज इट जा रही हैं या नहीं। तो ये आपका रोल प्लेइंग मेथड था, ठीक है, जिसमें हमने इसका मीनिंग, इसके एग्जांपल्स, इसकी एप्लीकेशन, इसके स्टाइल, इसकी मेरिट, इसकी डीमेरिट और सजेशंस देखे, कि होप आपको आज का क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। इससे इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो अलग अलग वीडियोस में बने हुए हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे वो ज़रूर इन वीडियोस को देख लें, ठीक है। थैंक यू।